हमारी सेलिब्रेटिंग केयरगिवर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी सेलिब्रेटिंग केयरगिवर सीरीज में आइए हम आपको कीर्तना की जीवन से रूबरू कराते हैं। वान्या के डायग्नोसिस के बाद कीर्तना के लिए एक माँ के रूप में वह पल गौरव से भरा हुआ था जब वान्या ने मन से उनको स्वीकार किया था। पहली बार जब वो अपनी माँ को देख कर मुस्कुराई और उनकी उपस्थिति में सुकून पाई, कीर्तना उस समय ये समझ चुकी थी कि वान्या ये महसूस कर पा रही है कि उसकी इच्छाओं को समझा जा रहा है। एक माँ के रूप में वान्या के डायग्नोसिस को समझना और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये समझना आसान नहीं था। स्पेक्ट्रम पर सभी की यूनिकनेस के कारण से वास्तव में यह समझना कठिन था कि वान्या के लिए क्या सही है और क्या गलत। कीर्तना ने अपने हर निर्णय से पहले शोध किया, उसे जांचा और परखा, साथ ही किसी भी निर्णय लेने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखा कि उनकी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। 5 साल की उम्र में वान्या 4 भाषाओं में गा सकती है और वह अपनी खिलखिलाती हंसी से किसी भी सभा को रोशन कर सकती है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कीर्तना अपने दोस्तों के साथ लंच पर जाती हैं या अनेक वॉलंटियरिंग सर्विसेज में व्यस्त रहती हैं। वह कभी भी वान्या को पीछे छोड़ने की गिल्ट को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देती, क्योंकि एक देखभालकर्ता के रूप में मानसिक रूप से स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण होता है। सभी माता पिता के लिए कीर्तना का एक ही संदेश है, स्वीकृता। माता पिता जितनी जल्दी ऑटिज्म के इलाज या ऑटिज्म को सही करने की मानसिकता से बाहर निकलें, उतनी ही जल्दी वो अपने बच्चे में सकारात्मक विकास देखना शुरू कर देंगे। आशा है कि कीर्तना की यात्रा आपको प्रेरित कर पाई। आइए उनकी इस खूबसूरत सफर का हम सब मिलकर जश्न मनाएं। हमें अपने जीवन का एक झलक देने के लिए कीर्तना का बहुत बहुत धन्यवाद।